और ये सेकेंड हैंड लिया हमने FI ABS 2020 मॉडल। करा गया सुभाष जी, जिस दिन बाइक लिया उसी दिन पहले गए। और भाई जिंदगी में मुझे लगता है ऐसी बाइक होना बहुत जरूरी है। ये भी सपना पूरा हुआ। सरप्राइज सरप्राइज गाइस, अभी मैं हूँ काठमांडू में। और क्यों काठमांडू में, इसका छोटा सा रीजन कह सकते हो या फिर बहुत बड़ा रीजन है। एक्चुअली हम काठमांडू कुछ काम से आए थे, पर हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सुभाष यहाँ पे बाइक लेने वाले हैं। और अभी हम जा रहे हैं सुभाष की बाइक लेने, तो सीधे वहीं पे चलते हैं। सुभाष और बम्बम भाई जी पहले वहाँ पे पहुँच गए, और अभी मैं और विजय हूँ। मैं डायरेक्ट हॉस्टल से निकला हूँ और काठमांडू आया हुआ। एक्चुअली मुझे 4 दिन हो गया है पर कोई ब्लॉग नहीं शूट कर रहा था मैं, क्योंकि मेरा जे माउंट टूट गया था। एक्चुअली बक्की भाई ने तोड़ दिया था हॉस्टल पे, तो जे माउंट मंगाने में कुछ टाइम लग गया। कल ही आया है तो आज कर लेते हैं नई ब्लॉग की शुरुआत। है एवरीवन, व्हाट्स अप, दिस इज होटल फ्रीक, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी सीना मंगलम पहुंच गए, सीधे यहां से निकलते हैं सुभाष के पास और बाइक लेंगे वहां से। और देखते फिर क्या क्या करना पड़ेगा आज, उसका बाइक का फिर रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, तो थोड़ा लंबा शेड्यूल होने वाली है। एक्चुअली अभी हम पशुपतिनाथ के पास में, और जाम देख लो भाई, बहुत ज़्यादा जाम है। तो अभी ट्रैफिक फिल्टर करके मिलते हैं आप लोगों से, और यही से हम मैनेज टू ले रहे हैं। तो लगाते अपने बाइक। तो गाइज, तो हम रिकंडीशन वर्कशॉप पे आ गए हैं एक्चुअली अभी, और यही है वो बाइक जो सुभाष ले रहा है। और ये सेकेंड हैंड लिए हमने FI ABS 2020 मॉडल। ये हमें सेकेंड हैंड में पड़ा है NRS 2,65,000। अभी इसको धुलाना है, पर हमने धुलवाया नहीं क्योंकि पहले इसकी सर्विसिंग कराएंगे, पूरा एकदम इसको फ्रेश करेंगे। सुभाष मम्मा भाई जी विजय बिलिंग कर रहा है, और ये रही फ्यूरी NS 200, और ये रही अपनी फ्री की। तो चलते हैं अब बिलिंग करते और फिर निकलेंगे यहाँ से बाइक लेके। तो 65,000 हमने पहले ही दे दिया था और 2,00,000 रुपया अभी दे रहे हैं। हेलो सर, कैसा फील हो रहा है सर? तो ये रही बाइक की ब्लू बुक, और ये अभी इसके नाम पे, पर यहाँ पे अभी सुभाष का फ़ोटो लग जाएगा, फिर ये बाइक सुभाष के नाम पे हो जाएगी। तो ये लो फिर सर, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। पहले से आराम है? बहुत ज़्यादा। अभी पेमेंट सारा हो गया है और ब्लू बुक भी मिल गया है, तो अभी चलते हैं सीधे यातायात ऑफिस में, क्योंकि इस बाइक की रजिस्ट्रेशन करवाना बाकी है। अभी सुभाष के नाम पे बाइक आएगा। ओके गाइज, तो हम काठमांडू से पूरे ही बाहर आ गए हैं, चंद्रगिरी वाले इलाके में। ऊपर चंद्रगिरी है और यहीं पे यातायात कार्यालय है। तो एक्चुअली अभी हम यातायात ऑफिस पहुँच ही गए, और बम्बम भाई जी सुभाष दोनों पीछे रह गए हैं, क्योंकि वो लोग दूसरा रूट ले लिया था कोटेश्वर वाला, और हम लोग आए पुतली सड़क वाले रूट से। तो विजय और मैं पहुँच गया हूँ, और एक्चुअली हमें यहाँ तो कुछ करना नहीं है, वो लोग आएगा तभी काम होगा। तो थोड़ी देर वेट करते हैं। One eternity later. तो अपना यातायात का सिर्फ आधा ही काम हुआ आज, क्योंकि उन्होंने बोला जो पहले ऑनर था उसका जो होता है उससे ट्रांसफ़र करा गया इस पर, और इसके नाम पे अभी रजिस्ट्रेशन होना बाकी है, तो कल फिर से आना पड़ेगा। खैर, अभी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो सीधे चलते बानेश्वर की बर्गर हाउस में। ओहो, पकड़ा गया सुभाष जी। आगे रुकते हैं भाई, वहाँ पे सुभाष को रोक रखा है पुलिस ने, पता नहीं क्या सीन हो रखा है। उसके पास तो लाइसेंस ब्लू बुक दोनों है, तो ज्यादा सीन नहीं होगा। भाई ये लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रहा है, और नेपाल में लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं कर सकते, इसके चक्कर में पेल दिए सुभाष को। वैसे कुछ नहीं कहा, 10 मिनट रुको और फिर जाने बोला है। दूटा फ्रूटी दे। तो अभी फ्रूटी पीते और 10 मिनट रुकते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। ओ सर जी, जिस दिन बाइक लिया उसी दिन पहले गए। ओके गाइस, हम आ गए बानेश्वर, और सामने है नई बनी हुई बानेश्वर की स्काई ब्रिज। हमें ये ट्रैफिक क्रॉस करके आगे जाना है, और राइट में ही बर्गर हाउस है, तो वहीं पे जाना है। सो गाइस, अभी हम पहुँच गए बानेश्वर के बर्गर हाउस के पास। बाइक को यहीं लगाते हैं और चलते हैं बर्गर हाउस में। ओके गाइज, तो अभी हम लोग नाश्ता करके बर्गर हाउस से निकल गए और सीधे चलते हॉस्टल में। तो भाई मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं, बहुत बोर करता था। चलो फिर,
इंडिकेटर तो बाहर लो। हेलो, हम पहुंच गए हॉस्टल और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगता है आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे करने प्यारे कमेंट। विजय गेट खोल दो, रुको जरा, सबर करो। तो फर्स्ट टाइम क्रॉस फायर चला रहा हूँ। हॉस्टल का वार्डन का भैया का है। ओह भाई, तो ये बहुत ऊपर है इसका हैंडल अपराइट। मुझे ज़िंदगी में एक बार क्रॉस फायर चलाना था और अभी दीपक भैया के वजह से हमें क्रॉस फायर मिल गई है। एक्चुअली दीपक भैया की भांजा की बाइक है, पर भाई काफ़ी मज़ा आता है। इसकी सस्पेंशन जो है पूरे नीचे तक जाती है। ओह भाई, और साउंड, ओ भाई, और इस बाइक पर बैठने के बाद लग रहा है सारे छोटे छोटे लग रहे हैं भाई। पागल साउंड है बाइक की, काफ़ी मज़ा आता है भाई ये चला के। खैर, हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला है तो यहाँ से एक शॉर्ट स्पिन लेके चलते हैं फिर से हॉस्टल की तरफ। और एक व्हीली हो जाती तो मज़ा आ जाती, पर हम नहीं मारेंगे क्योंकि दीपक भैया ने भरोसे से बाइक दी है और गिर जाएगी फिर मेरा एल लग जाएगा और मेरे पास अभी इतना पैसा भी नहीं है कि मैं उनको ये ठीक करा के दूँ, समझ रहे हो, क्योंकि इसके मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं बाइक। और भाई ज़िंदगी में मुझे लगता है ऐसी बाइक होना बहुत ज़रूरी है, इतने कंफर्टेबली बैठते हो और इतना ऊपर लग रहा है ना। और साउंड तो पूछो मत यार, साउंड के लिए ही सही, पर मुझे ये बाइक लेनी है यार। ओह भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। खैर, ज़्यादा नहीं चलाएंगे, यहाँ से लिफ्ट ले लेते हैं और चलते हैं सीधे हॉस्टल की तरफ। ओ भाई, बस यहीं तक था अपना सफ़र। और ये चाबी देखो कितना छोटा है इसका। चलो सही है, ये भी सपना पूरा हुआ, मुझे आंकना था एक दिन। ला भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ, बाय बाय गाइस।